समाचार आप देख रहे हैं भाई इस न्यूज अमरवाद में। कांग्रेस पार्टी की प्रेस वार्ता हुई आयोजित, शक्ति विधान महिला घोषणा पत्र देकर महिलाओं को किया गया सम्मानित। भाजपा सरकार पर बोला जोरदार हमला, मीडिया के सवालों में घिरे कांग्रेस महासचिव। दरअसल जैसे जैसे 2022 के विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं में बौखलाहट शुरू होती जा रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुरवाद की, जहाँ पर 2022 के विधानसभा चुनाव नजदीक आते देख रहे हैं। जनपदों में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है, जहां मुरादाबाद में कांग्रेस पार्टी द्वारा रखी गई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विपक्ष पार्टी के खिलाफ जोरदार हमला किया जाता है। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के महासचिव सचिन चौधरी द्वारा मुरादाबाद में रखी गई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भाजपा सरकार पर जोरदार हमला बोला और कहा कि इस सरकार में आधे से ज्यादा गुंडे शामिल है। इतना ही नहीं, आगे कहा कि इस भाजपा सरकार ने किसानों के खून से अपने हाथ रंग लिए और कहा कि भाजपा सरकार ने जनता के साथ किया अत्याचार, भ्रष्टाचार और झूठे वादे जनता सब जान चुकी है। वही जब मीडिया कर्मियों ने कांग्रेस पार्टी के महासचिव सचिन चौधरी से एक सवाल किया कि सचिन चौधरी जी, आप पर अवैध कब्जा करने का पहले भी आरोप लगा था, जिसके बाद पुलिस ने आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था और वही फिर आज भोजपुर थाने में आपके खिलाफ जमीन पर धोखाधड़ी कर अवैध कब्जा करने का आरोप लगा है, आखिर क्यों आप पर बार बार अवैध कब्जे का ही आरोप क्यों लगता है? तो वही मीडिया कर्मी के सवाल से बौखलाए सचिन चौधरी ने कहा, मेरी कोई जमीन भोजपुर थाना क्षेत्र में नहीं है, मैं जानता ही नहीं किसने मेरे खिलाफ प्रार्थना पत्र दिया है। अगर मैंने कोई गलत काम किया है तो मेरे खिलाफ जो भी कार्रवाई हो वह की जाए। हम उन लोगों में से नहीं है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, पहले हम करेंगे दिखाएंगे, क्योंकि ये एक अनुभवी पार्टी है। ये उनकी तरह नहीं है कि हम 15 लाख रुपए दे देंगे, हम गंगा साफ कर देंगे, हम गैंगस्टर खत्म कर देंगे। जिनके बेटे ने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई, आज वो इस राज्य का गृह मंत्री है। अजय मिश्र टैनी का बेटा अपराधी है, उनके बाप साफ कैसे हो सकते हैं, बड़ा सवाल। ये वो सरकार है जो किसी ने अपराध ना भी किया हो, उसके घर के शासक पड़ोसी घर को बुलडोजर से तोड़ देती है। अपने बाप को या बाप बेटे को या सरकार बाप बेटों कैसे बचा सकती है, ये एक सवाल है। योगी जी कहते थे कि गुंडे हार रहे हैं, जब गुंडे राज्य मंत्री होंगे तो बाहर कैसे रह सकते हैं? उनके गृह राज्य मंत्री होने के बाद जांच कैसे सही हो सकती है? ये तो ऐसे हो गया जैसे शहर का कप्तान किसी दरोगा से अपने बेटे की जांच करने की बात कर रहा है, तो इससे बड़ा तमाशा इस लोकतंत्र में आज से पहले कभी नहीं। ऐसा नहीं कि टैनी का इस्तीफा नहीं होगा, चुनाव से पहले पहले इस्तीफा हो जाएगा, मैं आपको आश्वस्त कर देता हूँ। और ये बताया जाएगा उस टाइम कि देखिए हम किसी को नहीं छोड़ते, लेकिन योगी जी बहुत देर हो जाएगी। मोदी जी, ये जनता जानती है कि आप गुंडों को संरक्षण देते हो। किसी का बेटा, आप सब पत्रकार बंधु मेरे सामने बैठे, अजय मिश्र टैनी के अलावा किसी का बेटा किसी को अगर तू भी कह देता, कुछ भी कर देता, तो आप विश्वास कीजिए पूरे मोहल्ले को बुलडोजर से तोड़ दिया जाता। लेकिन बेटे ने गाड़ी से कुचला प्री प्लान करके। आपको लगता है कि बेटा बिना पिता के ने काम किया होगा? गृह मंत्री का इस्तीफा होने के बाद अजय मिश्र टैनी पे जांच बैठेगी? अभी तो बैठ नहीं रही क्योंकि सरकार में है, तो इसलिए उसको नहीं हटाया जाए। लेकिन चुनाव से पहले पहले मुझे ऐसा लगता है, पर्सनल लेवल पे मुझे ऐसा लगता है कि उसको हटाया जाएगा, और हटाने के बाद उनको जो है ये कहा जाएगा कि भाई हमने देखिए कोई भी रहा अपराधी को नहीं रखा, बेशक चुनाव तक मंचों पर रखा। आपको चार दिन पुराना ये मामला है, उसके बाद में अगर महिलाओं की बात करने वाली पार्टी ही दिवालिया हो गया, काम सही से सोच नहीं पा, चाहे वो किसी पार्टी, महिलाओं का अपमान हम बता सकते,
हमारी बेटा खुद एक सशक्त महिला। हालांकि सारी पार्टियों के मुख्यमंत्री चेहरे हैं, कांग्रेस का कौन चेहरा रहेगा? किसका चेहरा है, कौन सी पार्टी का चेहरा बताइए? बीजेपी का कैंडिडेट कौन है? बीजेपी कैंडिडेट योगी दोबारा, उनसे बड़ा झूठा कोई नहीं है। योगी आदित्यनाथ तो कल फाइट में रहे ही नहीं, ना वो फाइट में है। मैं आपको एक चीज बड़ा बता दूं, बीजेपी की किसी बात पर विश्वास करना गधे की लात और बीजेपी की बात कहीं भी जाए। योगी आदित्यनाथ बीजेपी के चेहरे नहीं है, अगर किसी को गलत कहें तो मैं क्लियर कर देता हूँ। तो कौन है? कौन है उनको खुद ही नहीं पता। जो भी अगर जीते तो संघ से लिस्ट बन के आएगी। देखिए बीजेपी कोई पार्टी नहीं, बीजेपी अगर आपको लगता है राजनीतिक पार्टी है तो कतई नहीं। बीजेपी और समाजवादी पार्टी एक ढांचा गिरा के, गोलियां चला के, नफरत फैला के पैदा हुई है। हुई है कि नहीं हुई है? दो पार्टियों के नाम बता दो दंगे से बनी। दो पार्टियों के नाम, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन होना चाहिए और मैं कोशिश भी करूँगा आगे चलेगी। दो पार्टियों के नाम बताओ जो दंगा करा कर बनी हो। भाजपा सब जानते, सारे के सारे पास हो गया। ये सवाल सबको पता होगा कि दो पार्टियां दोनों एक ढांचा गिरा के आई, इनका अस्तित्व भी ऐसे ही खत्म होगा। कांग्रेस पार्टी इस देश की बुनियादों में है, खून में है, मोहब्बत में है, जुनून में है, शहादत हुई है, दो दो प्रधानमंत्री शहीद हुए हैं, लाखों कार्यकर्ताओं ने लाठी खाए हैं, जेल गए हैं।